हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है H-20 स्टेल्थ बॉम्बर, H-B2 बॉम्बर, ओवर द होराइजन रेडार, OTH रेडार, चाइनीज स्टेल्थ बॉम्बर H-20। तो काफी चीजें पता, मतलब पॉइंट ये है कि आपको समझ आएगा इसमें से स्टेल्थ बॉम्बर मेन वर्ड है और ओवर द होराइजन रेडार। चलो देखते हैं कौन से हैं और क्या कमाल करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। चाइना ने अमेरिका के B-2 विमान का कॉपी करके खुद का H-20 विमान बना लिया। ये एक स्टील्थ बॉम्बर है। स्टील्थ क्या होता है और बॉम्बर क्या करते हैं? स्ट्रेटजिक बॉम्बर होते हैं, ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि ये भारत के पास घूमेगा और रडार में पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन इसको पकड़ने के लिए ओवर द होराइजन रडार होता है। अब हम ये दोनों की टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि इससे सुरक्षा बचता कैसे है और सुरक्षा पकड़ कैसे लेता है। देखिए, अमेरिका ने बहुत ही पहले, ये 90 के दशक में अमेरिका ने अपना B-2 बॉम्बर को बनाया था। इसने कई युद्ध में भी भाग लिया है और इसी का कॉपी करके चाइना ने H-22 बॉम्बर बना दिया। ये जो है ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। बॉम्बर मतलब होता है ये बहुत ज्यादा मात्रा में बम ले जाते हैं, सब बहुत ज्यादा मिसाइल उसाइल मारते हैं, बमें गिराते हैं सब बॉम्बर से ही से, और थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ले जाते हैं सही सब। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है बहुत दूर तक जाते हैं और परमानेंट डैमेज करके आते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक, यहां देखिए ये राफेल है, ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये टैक्टिकल है। स्ट्रेटेजिक दूर तक जाते हैं, अब राफेल दूर तक नहीं जा पाएगा। अब यहां से कह दीजिएगा कि फ्रांस उड़ के चल जाओ, सुझरा जाइए नहीं पाएगा, बीच में रुकेगा। इवन ये फ्रांस से आया भी था तो दुबई में रुका हुआ था, उसके बाद ये इंडिया में आया। तो ये टैक्टिकल होते हैं, टैक्टिकल मतलब कम दूरी पर जाते हैं, लेकिन इनके पास हथियार बड़े खतरनाक होते हैं। शुरुआती स्ट्राइक यही करते हैं सर, धड़ाधड़ दुश्मन के रडार तोड़ देंगे सर, टैंकर उड़ा देंगे सर, शुरुआत में बढ़त यही देते हैं सर। अब बाद में आते हैं स्ट्रेटजिक परमानेंट ध्वस्त करके जाते हैं। जैसे ये C-17 ग्लोब मास्टर है, ये बड़ी दूर तक जा सकता है, स्ट्रेटजिक है, सीधे एक के बार पूरे का यूरोप चल जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि इसमें बम नहीं होता, ये ट्रांसपोर्ट के लिए आता है सर। तो स्ट्रेटजिक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इतने दूर तक जाएगा तो इसको एयर रिफिलिंग की जरूरत होती है क्योंकि स्ट्रेटजिक है तो हवा में ही इसमें फ्यूल भरा जा सकता है इजीली। जैसे मान के चलिए ये जहाज है तो इसकी ऊंचाई फिक्स कर सकते हैं, ये अपने बता देंगे कि भैया देखो हम 4070 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अब ये इसको उसी हिसाब से कह देगा कि एक काम करो तुम थोड़ा सा नीचे रहो, 4030 फीट पर रहो। अब मान के चलिए ये 50 फीट की डिस्टेंस बना के उड़ेगा सब, और इसमें से ये रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे इसमें फिट कर दिया जाएगा, ऊपर का नॉब खोल देगा, यहाँ एक ऑपरेटर बैठा रहता है वो इसमें रिफिल कर देगा। जहाजों की जो एयर रिफ्यूलिंग होती है वो दो तरह से होती है। अगर ये जाली नुमा पाइप होगा तो ये जो फाइटर जहाज है ये खुद आके उसमें अपना नोजल फंसाएगा और पेट्रोल भरेगा, और कुछ जहाजें ऐसी होती हैं जो अपना नोजल नहीं फंसा सकती हैं तो उसमें एक पीछे क्रू मेंबर बैठा होता है। जैसे यहाँ एक क्रू मेंबर है, ये दूसरे जहाज में भरेगा जिसमें खुद नोजल फंसाने की क्षमता नहीं होती। जैसे ये बड़ा सा जहाज है, ये जो बड़ा जहाज आ रहा है इसमें क्षमता नहीं है, तो आप देखेंगे इसके मुंह पे ये खाली जगह बना है। तो ये जो ऊपर जहाज के पीछे बैठा रहता है ऑपरेटर, वो इस जहाज में देख के भर लेता है, ये पायलट केवल उस जहाज को नीचे ले आके लगा देता है। तो जैसे जिसमें नोजल फंसाने की क्षमता है वो खुद आके फंसाते हैं, जिसमें क्षमता नहीं है उसका क्रू मेंबर, जैसे इसमें क्षमता नहीं है इसका यहाँ भरने वाला जगह है तो ये अपने जहाज को ले आके रख देगा और ऊपर से जो ऑपरेटर बैठा है वो इसमें ले आके भर देगा। आप समझ गए होंगे एयर रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग के द्वारा इसे बहुत लंबे तक ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका ने एक बार यहां से उड़ान भरा था अपने यहां से B-2 बॉम्बर से, और ये आया था सीरिया और में यहां पर बम गिरा के चला गया। सोच रहा उतना लंबी फ्लाइट लगा था इसको, 17 घंटा कंटिन्यू उड़ान भरते रह गया था, उसके बाद ही यहां चला गया था। तो ये काफी लंबे दूरी तक ये लोग हमला कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक जो बॉम्बर होते हैं ये स्टिल्थ होते हैं। स्टिल्थ को देखिए, स्टील्थ और कैमोफ्लाई ये दो टेक्निकल टर्म होते हैं मिलिट्री के क्षेत्र में। इसका मतलब होता है कि अपने शरीर को छुपा लेना। अब जैसे मान के चलिए ये देखिए ये कैमोफ्लाइज कर रहे हैं, इसको ऐसे ही स्टील्थ होता है। हवा में कोई चीज अगर छुप जाती है तो उसे कहते हैं स्टील्थ, और जमीन पे छुप जाती है उसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। यहाँ एक फौजी खड़ा है, देखिए यहाँ पे उसकी बंदूक की नोक है और यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पे क्योंकि ये भी झाड़ में घुस गया। यहाँ पे भी देखिए ये इसकी राइफल है, यहाँ पर ये यहाँ पे है, ये स्नाइपर छुपा हुआ है, तो इसे कहते हैं कैमोफ्लाइज।
कैमोफ्लाइज। तो जब जमीन पर आप खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं वो कैमोफ्लाइज कहलाता है, और हवा में करते हैं तो उसे स्टिल्थ कहते हैं। पूरी तरह से ये छुप नहीं सकते, ना कैमोफ्लाइज पूरी तरह छुप सकता है ना स्टिल्थ पूरी तरह छुप सकता है, लेकिन अपने ज्यादातर एरिया को ये छुपा लेते हैं जिस वजह से ये हमला कर देते हैं। जब तक आप इनको देख पाएंगे ये आपको साफ कर चुके रहेंगे सब यहाँ पे। यही होता है स्टिल्थ में, रडार कैसे इनको नहीं पकड़ पाता। जैसे ये देखिए, ये स्टिल्थ जहाज जो होते हैं इन्हें रडार नहीं पकड़ पाता है। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए, रडार हो, सोनार हो या चमगादड़ हो, ये अपना रास्ता कैसे पकड़ते हैं, परावर्तन के द्वारा। ये वेव छोड़ते हैं, टकरा के जब लौटता है तो लौटने की घटना को इको कहते हैं, और जो टकराया उसको वहां पे परावर्तन। तो उसी सिद्धांत पर ये काम करता है रडार। रडार सिग्नल छोड़ता है यहाँ से, जहां से टकराता है तो ये लौट के आता है तो ये पकड़ लेता है, तो वो इसमें दिखने लगते हैं सब। लेकिन स्टिल्थ जहाज में क्या होता है, जहाज जो दिखते हैं सब रियल में, उसका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। अब हवा में पक्षी भी उड़ रहे हैं सब, तो जब पक्षी उड़ रहे होते हैं ना तो वो लोग भी रडार में आ जाते हैं, छोटा छोटा बिंदु आते हैं सब। तो जो रडार ऑपरेटर होता है या जो मिसाइल ऑपरेटर होता है वो इग्नोर कर देता है, कहता है भैया ये जहाज नहीं है, जहाज का साइज बड़ा होता है, ये तो पक्षी है। जैसे यहाँ देखिए, ये सब जहाज होंगे सब यहाँ पर, अब यहाँ एक छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है, पक्षी है। तो ये ससुरा इसी का फायदा उठा लेता है, ये पूरी तरह से रडार में नहीं छुप पाता है, लेकिन इतना छोटा इसका फिगर बनता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये पक्षी है कि रडार जहाज है। तो रडार ऑपरेटर कहता है रुको इसको पास आने दो, जैसे जैसे वो पास आएगा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। तो इस ससुरा तुरे ये इतना पास आने के बाद पता चलता है नहीं रे भैया ये जहाज है, तब तक ये आके बम गिरा चुका होता है। अब ये कैसे अपना फिगर यानी सिग्नेचर छुपा लेता है रडार पर, रडार फिगर उसको समझिए। रडार इस तरह से वेव छोड़ता है, तो ये क्या करता है, ये जान जाता है आज करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कि ससुरा ये वेव अगर टकरा के लौट गया तो इस रडार को बता देगा। ये काम करते हैं, इसको लौटने ही नहीं देते हैं। तो 100% तो कुछ पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो 80% भी अगर सोख लेंगे तो हमारा 100% फिगर नहीं बनेगा, 20% बनेगा, और रडार ऑपरेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि शायद ये पक्षी है। तो इसके बाहर इस पे क्या लगा दिया जाता है, एक कार्बन फाइबर जो होता है और आयरन बॉल का पेंट कर दिया जाता है, वो इस स्पेशल प्रकार के आते हैं, करोड़ों के मिलते हैं। जहाज के बाहर जब पेंट कर देते हैं तो ये क्या करता है, 50% वेव को सोख लेता है, जो आया सोख लिया। अब जब सोख लेता है तो रडार को लगता है कि वहां कोई था ही नहीं क्योंकि वो चला गया, उसको ये नहीं समझ में आता सोख लिया, क्योंकि रडार बहुत सारे वेव को छोड़ता है। तो जो वेव नहीं टकराते हैं तो रडार को लगता है कि हां वहां कोई नहीं था तो चला गया, वहां पे जहाज नहीं थी। तो ये क्या करता है, 50% सोख लेता है, लेकिन 50% भी तो बचा, बड़ा जहाज नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा। अब क्या किया जाता है इसमें, इसका शेप, इसकी डिजाइनिंग इस तरह से बनाई जाती है कि इस पे से रडार की जो किरणें आएंगी वो टकरा के दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, वापस जा ही नहीं पाएंगी। इस डिजाइन से बनाया जाता है। देखिए, इसका इंजन भी ऊपर रखा गया था कि धुआं ऊपर से निकल जाए, यहां पे नीचे रखता है, अमूमन जहाजों का नीचे रहता है या फिर पीछे रहता है, इसका कंप्लीट पीछे नहीं है, ऊपर की ओर है, दिख रहा है यहां पर, क्यों, क्योंकि रडार नीचे से देखता है, धुआं वगैरह वाले एरिया को रडार जो है वहां पर वाइब्रेशन होगा तो पकड़ लेता है वहां पर, तो ये ऊपर से निकल जाता है। तो ये क्या करता है, इस तरह से अपने एक स्पेशल डिजाइनिंग के वजह से 30% किरणों को वापस इधर उधर बिखेर देता है। तो इससे पहले जो था ये 50% को सोख लिया, कार्बन फाइबर और आयरन बॉल, और 30% को ये ले लिया, यानी टोटल कितना परसेंट किरणों को ये लोग चौपट कर दिया, 80%। तो रडार पे कितना दिखेगा, 20%। तो रडार पर जब दिखता है 20% तो लगता है कि कोई पक्षी है, तो कंफर्मेशन के लिए किया जाता है कि पास आने दो, पास आएगा तो उतना ही छोटा दिखेगा, उतना ही छोटा छोटा छोटा, लेकिन यहां जब एकदम पास आ जाएगा तब लगेगा नया बबुआ तो जहाज था, तब यही गड़बड़ हो जाता है स्टिल्थ के साथ। अब जैसे आप ही समझिए ना, मान के चलिए आप दूरबीन से देख रहे हैं और आपको कहना कि हाथी आएगी तो रोकना है, दूरबीन से देख रहे हैं हाथी ससुरा बकरी दिखाई दे रही है, आप कहेंगे ना बकरी है तो बकरी है बकरी, अब पास में आ जाएगा तब कहेंगे ससुरा हाथी है ही, तो यहाँ पर गड़बड़ा जाएंगे, पिटा जाएंगे आप वहाँ पर, आपको लगेगा दूरबीन की गड़बड़ी हो, तो टेक्नोलॉजी यूज किया वैसे। अब मान के चलिए आपसे कोई कह रहा है कि शेर आएगा तो उसको रोक देना, गोली मार देना वहाँ शेर में, और आपको लग रहा है कि कुत्ता आ रहा है, आप कह लेंगे यही शेर से ना मारना है, तो कुत्ता आ रहा है यहाँ पर, कुत्ता को क्या करना है, लेकिन वो तो स्टील टेक्नोलॉजी है। ऐसे एक सरदार जी थे, सरदार जी अपने कुत्ता को टहलाने निकले थे, तो उनके कुत्ते को देखकर उनका पड़ोसी बोल रहा है कि सरदार जी आपके कुत्ते की शक्ल तो शेर जैसे मिल रही है। तो सरदार जी गुस्सा हो गए, पड़ोसी पे कहे चुप, ये कुत्ता नहीं शेर ही है, प्यार के चक्कर में पड़ के इसकी शक्ल कुत्ते की जैसे हो गई। इसलिए लड़का लोग को भी कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई कर लेना तो शक्लों बिगड़ जाएगा, करियरों बिगड़ जाएगा। किसी भी स्टिल्थ जहाज की जो सबसे बड़ी खराबी होती है वो उसका हार्ड पॉइंट होता है। देखिए, जो बम रखा जाता है ना, ये जहाजों के हार्ड पॉइंट पर रखा जाता है, विंग्स के साइड साइड में जो जगह होते हैं, पॉट बने होते हैं जिसमें बम मिसाइल को रखा जाता है, उसे हार्ड पॉइंट कहते हैं। अब जो जहाज होती है ये स्टिल्थ होती है, ये बम वगैरह स्टिल्थ नहीं होते, क्योंकि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, तो बमों को भी स्टिल्थ रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा
ब्लास्ट आएगा, इसलिए इसे अलग से चैम्बर बना के अंदर रखा जाता है। जब बम गिराना होता है तो चैम्बर खुलता है और वो ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद चैम्बर बंद हो जाता है। तो जब ये ड्रॉप करते हैं तो उस समय तक हल्का सा ये रडार में आता है, लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रडार में ये आएगा, ये गिरते रहेगा, ये तो उतना अच्छे से आता नहीं है, यहाँ पे बंद हो जाता है। अब अमेरिका का ना जैसे ये B-2 बॉम्बर है, ये खतरनाक स्टील्थ है, और F-22 ये खतरनाक मतलब फाइटर है, ये मिसाइल मारते हुए आगे बढ़ता है, ये बम गिराते हुए आगे बढ़ता है। तो चाइना ने एक बार दावा किया था कि उसने F-22 राप्टर को अपने रडार में पकड़ लिया। एक्चुअली एक एयर शो के दौरान F-22 है जो हवा में रिफिलिंग कर रहा था, उसका एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी था, तो वो उस फ्यूल टैंक को पकड़ लिया, तो ये कह रहा है कि हम पूरे रडार इसको पकड़ लिया। ऐसा नहीं होता, ये बहुत कम सिग्नेचर आता है, मतलब इसका फिगर बहुत कम आता है रडार में, और ये एक साथ बहुत ज्यादा बम ले जा सकते हैं। अमेरिका वाला B-2 तो बहुत ज्यादा लेके चला जाता है, और ये उसका कॉपी करके S-22 जो बनाया है चाइना, इसकी क्षमता उतनी नहीं है, तनी मनी लेके जाता है, उतना हल्ला कर रहा है कि ढेर ले जाता है। वैसे भी ये सोचो B-2 हो या S-22 हो, तिब्बत के पठार पे दोनों की सांस उखड़ जाएगा। रीजन क्या है कि ये सब जो है ये कोई भी ये सब में फ्यूल पड़ता है, फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और तिब्बत का पठार और हिमालय के एरिया में ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि इन लोग को अपनी पूरी क्षमता में 50% की कमी करनी होती है। तो ये जो है इतना तो ये ले ही नहीं जा सकता है, 50% करेगा। अभी सोच रहा चाइना है इतना ले जा रहा ना, तो इसका 50% करेंगे यहाँ पर, इतनी सा ले जाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसका स्टील्थ है ये हमारे लिए ये कंसर्न है। अब देखिए ये स्टील्थ जो होते हैं सब, ये कारपेट बॉम्बिंग के लिए कर देते हैं सब, मतलब इनके पास इतने बम होते हैं कि किसी भी एरिया को ये पूरी तरह से बिछा के चले जाते हैं कालीन की तरह, इसी को हम कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग। तो पहले जो फाइटर जहाज होते हैं दुश्मन के बड़े बड़े एरिया को उड़ा देते हैं, उसके पीछे से आते हैं कारपेट बॉम्बिंग के लिए करके चले जाते हैं सब। अब चाइना को क्या लगा, उसको लगा कि उसने बना लिया अपने S-22 बना लिया, अब S-20 बना लिया, अब ये तो रडार में उतना आएगा नहीं, भारत रडार पकड़ते रह जाएंगे। इसको लगा कि ये हिमालय वाले एरिया में है, यहाँ पे इसने डिप्लॉय किया है अपने S-20 रडार को, सॉरी बॉम्बर को, और उसको लगता है कि भारत में खूब बढ़िया से यहाँ पे लगाएगा। भारत भी अभी यहाँ पे आर्मी अपनी बढ़ा रहा है, यहाँ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक्स्ट्रा फौज भेजी जा रही है काउंटर करने के लिए यहाँ पर। तो देखिए ये बात हकीकत है कि ये रडार में उतना नहीं आता है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए ओवर द होराइजन रडार बनाया जाता है। देखिए ये फायदा किस चीज का उठाता है, दो चीजों का, एक पहाड़ का, अगर कोई जहाज पहाड़ के उस साइड रहेगा और रडार इस साइड रहेगा तो पहाड़ रोक देगा, रडार में नहीं आएगा। दूसरा पृथ्वी के होराइजन, होराइजन मतलब होता है ऐसे घुमाओ। अब जब ज्योग्राफी आदमी पढ़ाता है तब बताते हैं कि पृथ्वी की आकृति जियोड होती है, जियोड जो गोल नहीं है, आलू की तरह ढचकल पचकल है, लेकिन अन्य टॉपिक रहता है तो आदमी नॉर्मली बोल देता है पृथ्वी गोल है, बट एक्चुअली पृथ्वी जो है वो जियोड है। तो अभी ये तो रडार का टॉपिक है, तो इसमें सोच रहा पृथ्वी पे फोकस काहे करेगा आदमी, तो पृथ्वी को हम गोल कंज्यूम कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे एज्यूम इसको कीजिए कि आप पृथ्वी क्या गोल है। अब यहाँ पर दो चीजें देखिए, ये जो रडार है ये इस जहाज को पकड़ लेगा क्योंकि ये इसके रेंज में आ रहा है, ये जहाज तो पकड़ा जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये जहाज को देखिए ये नीचे की ओर है। अब ये दो चीजों से बच जाएगा, एक पृथ्वी के होराइजन से बच गया यहाँ पर कर्व की वजह से, दूसरा इसके ऊपर जो पहाड़ है ये इस वेव को रोक देंगे। अब क्या होगा, ये जहाज ये तो यहाँ से आ रहा है बिना इसके नजर में आए हुए, और जब ये अचानक इसके नजर में आएगा तब तक वो इसको मार चुका रहेगा क्योंकि रडार के पास अपना हथियार तो रहता नहीं है, ये दूसरे को बोलेगा, दूसरा आएगा तब तक ये धो के चला जाएगा। यही फायदा उठाते हैं सब मतलब जो भी स्टील्थ जहाज होते हैं किसी किसी पोजिशन पे, तो ओवर द होराइजन रडार इसी का सोल्यूशन होता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट पृथ्वी को, ये जैसे पृथ्वी है यहाँ पर, अब यहाँ रडार लगा हुआ है तो ये वेव छोड़ेगा तो मैक्सिमम वेव इधर जाएगा, खूब से खूब डाउन करेंगे तो ऐसे हो सकता है, लेकिन कोई जहाज अगर यहाँ पर है तो ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या किया गया है, इसमें हम लोग आयन मंडल का प्रयोग करके पहले वेव को अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसके बाद लौटने देते हैं उसको, ये प्रयोग किया जाता है। इसका क्या है, सिंपल सा, हम लोग रहते हमारे ऊपर वायुमंडल की पढ़ते हैं, हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसका पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर में कॉस्मिक रेस पाई जाती है, बहुत खतरनाक होती है, सही यहाँ पर ये नीचे से आने वाली वेव को लौटा देती है। अब यहाँ से कोई वेव को छोड़िएगा ना तो लौटा देगा नीचे वापस, यही लौटा देता है, इसी का फायदा किया उठाया जाता है। ओवर द होराइजन रडार OTH क्या करता है, पृथ्वी का ये जो कर्व है इसे हम होराइजन कहते हैं, तो इसके ऊपर से जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ओवर द होराइजन रडार। ये भेजेगा वेव को, बहुत हाई बीम को भेजता है यहाँ पर, हाई फ्रीक्वेंसी हाई बीम की इंटेंसिटी को वेव को भेजेगा, टकरा के जब आएगी तो वो ऑलरेडी लो हो जाएगी क्योंकि कोई भी चीज टकराने के बाद उसकी पावर लो हो जाता है, तो हाई सिग्नल जाएगा पावर लो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई जहाज है तो ये लौटते टाइम पे इस एरिया में अगर कोई भी जहाज है तो उस पर अगर वो टकराता है तो यहाँ एक कंपन पैदा कर देगा,
एक डिस्टरबेंस पैदा करेगा, उस डिस्टरबेंस को ये यहाँ से क्या करेगा, रिसीव कर लेगा और अपने सॉफ्टवेयर में उसे डाल के बता देगा कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले ये हाई बीम को फेंकते हैं और वापस इसको ले लेते हैं सब। अब इसमें एक चीज़ देखिए, होवर द होराइजन रडार में एक समस्या ये थी क्योंकि इसमें एक ट्रांसमिशन के लिए अलग चाहिए और रिसीविंग के लिए एक अलग एंटीना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। जैसे यहाँ से आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ से हाई पावर का बीम फेंका गया, ये स्टेटो आइनोस्फीयर है जो आयन मंडल होता है, यहाँ से टकरा के गया, इन जहाज़ों से टकराएगा और यहाँ पर हलचल होगा। तो इस हलचल को पकड़ने के लिए हमारे पास एक अलग से एंटीना होना चाहिए जो सिग्नल को पकड़ ले और वो काफ़ी लंबी एरिया में होना चाहिए। अब ये लंबा एरिया में क्यों होना चाहिए समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए पहाड़ है और ये दो जहाज हैं सब और यहाँ पर रडार लगा हुआ है, ये ट्रांसमिशन के थ्रू भेज रहा है आयन मंडल में हाई बीम को, ये टकराएगा वापस आएगा लो बीम पे, इस लो बीम पे जैसे ये जहाज आएगा तो यहाँ पर इसमें डिस्टरबेंस आएगा, वेव जो है बिखर जाएंगे। अब इस वेव को बिखरेंगे तो ये आगे पहाड़ है, इसको तो कोई ले नहीं पाएगा, ये तो वेव को भी ढक लेगा। तो एक लंबा सा रिसीवर एंटीना चाहिए यहाँ पर जो बहुत बड़े एरिया को कवर कर सके और वो इस हलचल को पकड़ लेगा, ये रिसीव करने वाला, हलचल को रिसीव करने वाला बहुत सेंसिटिव रडार चाहिए। अब देखिए हलचल कैसे, आप इसको समझिए कैसे, जब कभी भी आप नदी के किनारे खड़े रहते हैं तो आपका ध्यान इधर रहता है, अचानक कोई नदी में अगर कंकड़ मारा या नदी में इस तरह से कंपन हुआ, आप फटाक से समझ जाते हैं सोचो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आप उस चीज को नहीं देखे हैं कि वहां कोई कंकड़ मारा या मछली ऊपर आई है, लेकिन आप इस वेव को देख के पता कर लेते हैं, ये वेव काफी देर तक रहती है, ऐसे ही वेव हवा में बनती है बट हम उसे नहीं देख पाते, लेकिन रडार उस वेव को देख लेता है। जिस तरह से पानी में अब उल्लू को खड़ा कर दीजिएगा नदी के किनारे तो ससुर ई वेव को भी नहीं देख पाएगा, उसी तरह हम लोग की आंखें हवा में वेव को नहीं देख पाती, लेकिन रडार उस हवा में देख लेता, पकड़ लेता है। अब यहाँ जितना भी हलचल होगा, इस हलचल को जैसे यहाँ से ओवर द होराइजन रडार पहले अंतरिक्ष में भेजा, वहाँ आयन मंडल से टकराया और कोई भी जहाज हवा में आया, इस तरह का हलचल होगा उसको ओवर द होराइजन रडार पकड़ लेगा, अपनी स्क्रीन पर दिखा देगा कि भैया इतना बड़ा हलचल है तो इतनी बड़ी जहाज होगी, छोटा हलचल मतलब छोटी जहाज होगी। अब ये ओवर द होराइजन रडार साइज में बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे चौड़ा आप बहुत बड़े एरिया को ये लोग कवर करते हैं ये रडार, क्योंकि भैया उतनी दूरी तक में वेव को भी तो छोड़ना है। देखिए ना ये कितना बड़ा होता है ये ओवर द होराइजन रडार, इतनी बड़े साइज में होता है ये कि कभी कभी तो लगता है कि सोचो कोनो देश का बाउंड्री बनाया गया है, देख रहे हैं लग रहा है कोई देश की यहाँ पे दीवार बनाई हुई है, उधर दूसरा देश इधर दूसरा देश है, ये देश नहीं है भैया ये रडार है, इतना हाई पावर का छोड़ता है ये बीम जिसका कोई हद नहीं, और इसमें मॉड्यूल्स लगाए रहते हैं, इसका पावर कंजम्पशन बहुत तगड़ा रहता है, ये नॉर्मली बनाना बहुत मुश्किल है, छोटे रडार में नहीं हो सकता, इसका एरिया बहुत ज्यादा चाहिए होता है इसके लिए यहाँ पर। अब ये इतने ऊंचे होते हैं, देख रहे हैं बादल में घुस गया है यहाँ पर तो बादल आ गया है, बादल के ऊपर चले गए ये, और इससे बचना एकदम मुश्किल हो जाता है, इसमें रिसीवर बहुत तगड़े लगे रहते हैं सब, हल्का भी हलचल हुआ यहाँ इतने रिसीवर लगे हैं सब, यहाँ पर उतनी हाइट पर खूब ज्यादा रिसीवर लगाए रहते हैं सब, ये रिसीवर क्या करते हैं थोड़े से भी हलचल को ना, जहाँ कुछ हलचल हुआ तुरंत वायुमंडल में तुरंत इसको समझ जाते हैं सब और बता देते हैं सर। यहाँ पे देखिए बकलोलवा ससुर एपे ही नाचने चल गए हैं, उलट जीवा ससुर तो नहीं। ओवर द होराइजन रडार यानी ओटीएच रडार कितना खतरनाक है आप ऐसे समझिए कि चाइना ने जो H-20 बनाया है इसका बाप है अमेरिका का B-2 विमान जो है, अमेरिका से उड़ान भरा और ये उड़ान रूटीन उड़ान भर के वापस आया तो फ्रांस को यहाँ बैठ के पता चल गया कि इसका B-2 जहाज उड़ा है यहाँ पे, काहे को स्टील्थ भैया ओवर द होराइजन रडार, यहाँ लुका छिपी के खेल चल रहा है, जहाज सोच रहा हम ही होशियार है रडार में नहीं आएंगे और रडार बनाने वाले इंजीनियर और साइंटिस्ट सोच रहे हम तोरा पकड़ के दिखाएंगे, देख सोचो तू जाएगा किधर पे। अब चाइना ने क्या किया, एक मिसाइल बनाया और चाइना इस मिसाइल का परीक्षण इधर प्रशांत महासागर के इस वाले भाग में कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया चाइना को कहा कि रे सुसुत ने उधर का ही मिसाइल परीक्षण कर रहा है, उधर जीव जंतु को लॉस होगा, वो एरिया में मछलियां ज्यादा होती हैं, उस एरिया में करो जिधर मछली नहीं। तो चाइना समझ गया कि रे सुसुत नहीं, तोरा कैसे पता चल गया रे 5,000 किलोमीटर दूर तोरा कैसे पता चल गया, कह दिया ऑस्ट्रेलिया तोरा खान सर का क्लास ना किया है, ओवर द होराइजन रडार 5,000 किलोमीटर दूर देख लेता है, हम बड़का मिसाइल बनाए हैं बैलिस्टिक, सचुत नहीं को कौन सी समझ में आ रहा है चाइना को। तो चाइना ने H-22 बना लिया है, हाँ ये बात भारत के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि भारत की इंजीनियरिंग इस मामले में बहुत पीछे है, खास करके एविएशन के एरिया में, हम बड़े ना जहाज डोनियर छोटे से जहाज बना पाते हैं, ध्रुव छोटे छोटे हेलीकॉप्टर बना पाते हैं, बहुत बड़ा हम लोग नहीं बना पाते और इसकी इंजीनियरिंग बहुत तेजी से निकल रही है, लेकिन हम लोग जुगाड़ वाले हैं। देखिए चाइना के पास S-300 मिला है, S-400 के दाम पर
चाइना रूस ने उसे S-300 दिया है क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, उसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल नहीं मिल सकती। तो हम लोग के पास S-400 है, उसकी असली क्षमता S-400 किलोमीटर है, लेकिन S-400 का जो रडार है ये रडार 400 किलोमीटर ही देख सकता है, इससे आगे नहीं देख सकता है। अब ये मिसाइलों को उधर वहीं तक गाइड कर सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग इस रडार को ओवर द होराइजन रडार OTH रडार से अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये रडार जो है ये डाटा किसको दे देगा, इस 400 को दे देगा कि भैया इधर है, और ये किसको दे देगा, इस मिसाइल को दे देगा कि भाई तुमको उतना दूर जाना है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये मिसाइल की तो क्षमता नहीं है, इसमें इतने मसाले भरल है, मान के चलिए 5 रुपये वाला रॉकेट तनिए उड़ता है, 25 रुपये वाला ज्यादा उड़ता है, ससुराल में क्या करना है, ससुराल और बुरादा भर देगा आदमी, भारत वालों को जुगाड़ की कमी है, इनसे और भर देगा यहाँ पर, है कि नहीं आप। तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो और खतरनाक हो जाएगा। इसको लग रहा था कि यही होशियार है भैया, ये हिंदुस्तान है ससुर जी, समझ में आए ना, ये हिंदुस्तान हमेशा जुगाड़ पे चलता है। हम लोग बचपन से जुगाड़ सीख लेते हैं, बचपन में क्रिकेट खेलते समय गेंद जो होता है बॉल अगर नाली में चला गया तो अपवित्र हो जाता था, तो उसको निकाल के 3 बार पटक देते थे, कहते थे 3 बार पटक देना अब शुद्ध हो गया, इसको पता नहीं समझता यही इंजीनियर ज्यादा ससुर। तो इसको इंजीनियर क्या समझ में, हम लोग के यहाँ दुनिया में सबसे पहले जब वाईफाई ब्लूटूथ नहीं था ना तभी हम लोग बचपन में वाईफाई लगाते थे, किसी से गुस्सा होगा तो लोग कट्टी, ये पहला वाईफाई था, फिर बोलना है हाँ ले मिट्टी यहाँ पे, एक समझ में आता कि एक इंजीनियरिंग पेज है। हम लोग का ससुराल का बच्चा जो होता है ना छोट छोट 2 महीना 3 महीना का, वो सब ससुराल टेक्नोलॉजी समझता है, वो भी सब सिग्नल समझता है, पेशाब नहीं करेगा ना तो क्या मम्मी पापा कहेंगे पेशाब कर लो, नहीं करेगा तो कहेंगे तुरंत कर देगा ससुर, तुम्हें ओकरा रडार सिखाएंगे लोग हम लोग को। तो ये भारत की भी कमी है, कब तक जुगाड़ पे चलेंगे लोग, ये बात अलग है कि हम लोग का जुगाड़ कहीं कहीं कारगर हो जाता है, लेकिन अब वो दौर आ गया है 21वीं सदी, अब हमें फ्रंट फुट पर रहना पड़ेगा। पता चलता है चाइना ने कुछ कर दिया, अमेरिका ने कुछ कर दिया, पाकिस्तान ने कुछ किया, अब हम उसको जुगाड़ के हिसाब से उसे काउंटर करने पर लगते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अब हमें अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को बदलना चाहिए। तो आई होप आपको स्ट्रेटजिक बॉम्बर ये सब समझ में आ गया और होराइजन रडार भी समझ में आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। तो फ्रेंड्स मजा आया वीडियो देखने में, इतना कुछ पता चला बॉम्बर्स के बारे में कि सच्ची में मतलब इतनी डेप्थ में तो मैंने कभी भी इसके बारे में स्टडी भी नहीं किया ना कभी पढ़ा था। और मेरा वही क्वेश्चन था कि जब वो रेज ऊपर जा रही है तो क्या ऊपर कोई उन्होंने लगाया है जिससे वो वापस आए, तो पता चला कि एटमॉस्फेयर में जो लेयर है वही है जो प्रोटेक्ट करके वापस जो है रेज को भेजती है। तो पर मुझे यही था कि ये लोग जो इतनी सारी कंट्रीज ये सब कर रही है और रेज भेजी जा रही है तो वो भी तो डैमेज कर ही रही होगी एटमॉस्फेयर के लेयर्स को भी, और कुछ पता नहीं कि इतनी बार बार पहुंचने के बाद वो डैमेज हो जाए और उसके बाद कभी वही हो कि वो निकल जाए वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। और कई चीजें होती है, कई ऐसी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहे, वो बाहर ना चले जाए स्पेस के अंदर, तो इससे डैमेज होके लाइफ फॉर्म ही खत्म कर दे, धीरे धीरे ये खत्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे। पर देख लो क्या टेक्नोलॉजी, देखिए इतने सारे लोग हैं, सबके पास सेल फोन्स हैं, हाँ कितने सारी वेव जा रही है आकाश कर रही होगी डैमेज, बच्चे बच्चे के पास सेल फोन है, जगह जगह आपका सिग्नल जा रहा है, तो हमारे थ्रू पता नहीं कितने बॉडी के थ्रू क्या क्या जा रहा है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो तो ऑब्वियस है, वो तो ह्यूमन बीइंग जैसे बना रहे हैं, उससे हेल्थ पे अभी तक तो प्रूव नहीं हुआ, मगर तो धीरे धीरे पता चलता है, हर चीज थोड़ी को एकदम से पता चल जाती है। तो काफी अच्छा था और काफी बात सही है। अब पॉइंट यह है कि इंडिया ने क्यों नहीं बनाया, बिल्कुल अगर आपने अमेरिका का जो भी H2 कह रहे हैं उसको B2 था उसको कॉपी करके H220 बना दिया, तो जो भी कॉपी करके बनाया कुछ बनाया तो दोनों ने, पर हमने तो बनाया ही हमें भी उसका कुछ ना कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करके या कॉपी करके कुछ ऐसा बनाना चाहिए। हर चीज की शुरुआत वैसे अब बनाएंगे कि पहले आपके पास आएगा जिसमें कम कैपेसिटी हो, फिर आप और रिसर्च करेंगे उसमें और कैपेसिटी आएगी, मगर आपके पास वेपन तो आया जो स्टेल्थ है। ऑफ कोर्स इंडिया स्टेल्थ बना रहा है, इंडिया जैसे इंडिया का तेजस के आगे जाके AWACS आ रहे हैं तो स्टेल्थ आ रहे हैं, तो अच्छी बात आ रहे हैं, मगर अब तक आ जाना चाहिए था। और जैसे जैसे चाइना बनाता जा रहा है वैसे हमारी चीजें भी आनी चाहिए, उससे हमें ज्यादा जो है अपना पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा खरीदने में सामान, पैसा ज्यादा अगर लगाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो, मगर ये पॉइंट पॉलिसी गवर्नमेंट की है और अभी की गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है जिसका मेन यही फोकस है कि हम खुद बनाएंगे खुद रिसर्च करेंगे, अगर हम पैसा ज्यादा लगाएं रिसर्च में तो बहुत रिवॉर्ड मिलेगा बाद में।
तो काफी अच्छा वीडियो था और काफी ये अच्छा लगा कि OTH रेडार के बारे में, और ये भी बात कंसर्न सही है था। अभी जैसे रेडार जितने भी पूरे बॉर्डर्स हैं वहां, तो इतने सारे रेडार्स लगे हैं, तो सोचिए वहां पे कितनी वेव्स जा रही होंगी, कितना कुछ काम चल रहा है वॉरफेयर का। तो ह्यूमन बीइंग जो है बड़े पता नहीं कब प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, मगर ये है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो भी है वो तो करना पड़ेगा ही। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।